फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, इसके कितने अंग होते हैं, कितने सदस्य राष्ट्र हैं, किस प्रकार ये कार्य करता है। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और ये इनका उद्देश्य था इसकी स्थापना का कि युद्ध के भय से सुरक्षित रखना, मानवाधिकार को बढ़ावा देना, बेहतर जीवन स्तर तथा शांति, न्याय, समान अधिकार व सतत विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करना। अब ऐसी स्थितियां क्यों आई कि युद्ध के भय से सुरक्षित रहना और मानवाधिकार को बढ़ावा देना, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 से पहले 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। इससे पहले भी 1914 से 18 तक जो है पहला विश्व युद्ध चला था। उस सब के बीच में 1929 में इन सभी उपायों के लिए एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो गई थी, लेकिन 1929 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई और 1939 में फिर से विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो ऐसा लगा कि लीग ऑफ नेशन निष्प्रभावी है, इसका कोई प्रभाव नहीं है विश्व में जो युद्ध के भय को रोक सके, युद्ध को रोक सके, मानवाधिकार को संरक्षित कर सके और जीवन स्तर को बेहतर बना सके। ऐसा कोई भी कार्य लीग ऑफ नेशन का नहीं हुआ, वो प्रभावी नहीं हो पाया। तो इन सबके अच्छे क्रियान्वयन के लिए ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के द्वारा हुई, अधिकार पत्र के द्वारा हुई। इस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया, 50 देशों ने हस्ताक्षर किया और ये तब सेवा में आया 24 अक्टूबर 1945 को। आइए अब जानते हैं कि इसके कितने अंग हैं और ये कैसे कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों की बात करें तो इसके 6 अंग हैं। इन 6 अंगों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व में अपने सभी कार्य करता है। मानवाधिकार को बढ़ावा हो, युद्ध के भय को कम करना हो, या सदस्य राष्ट्रों के बीच कोई विवाद हो, ऐसे सभी कार्यों को संयुक्त राष्ट्र अपने इन 6 अंगों के माध्यम से करता है। उसमें पहला अंग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा अंग है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। यूएन सेक्रेटरियट, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र के मुख्य 6 अंग हैं। इन्हीं 6 अंगों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व में सभी कार्यों को करता है। आइए इन अंगों के कार्य क्या क्या हैं उन पर विशेष नजर डालते हैं।
पहले नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा जहां पर सभी सदस्य देश बैठते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 193 यानी 193 है। संयुक्त राष्ट्र का ये मुख्य विमर्शी और नीति निर्माण अंग है। मुख्य मतलब विमर्श यही होता है क्योंकि सभी सदस्य यहां पर बैठते हैं और सभी विषयों पर विशेष चर्चा करते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। उसके बाद सभी के पास अपना अपना मत होता है और वो वोट देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य होते हैं वो महासभा के भी सदस्य होते हैं और जो सभी के पास मत होते हैं, अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो, महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्य बजट को स्वीकृति देना भी है, बजट को पास करती है। परिषद की सिफारिश पर नए सदस्यों का प्रवेश होता है, यानी कि जब सुरक्षा परिषद यूएनएससी सुरक्षा परिषद जब प्रस्ताव पास करती है कि इस सदस्य को महासभा का सदस्यता दी जाए, सिफारिश करती है, तब जा करके किसी नए सदस्य को संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता प्राप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र क्योंकि एक बहुत बड़ा अंग है, मुख्य अंग है और विश्व बहुत बड़ा है, सदस्य देश ही इसके 193 हैं और सभी देशों के अपने अपने विभाग होते हैं, कार्य होते हैं, तो सभी देशों के कार्य देखने के लिए या संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्य देखने के लिए महासभा, जैसे कि हमारी भारतीय संसद में भी समितियां बनाई जाती हैं, वैसे ही महासभा में भी समितियों का गठन किया गया है। वो समितियां कार्य करती हैं, उन समितियों की संख्या 6 है। पहली है निरस्त्रीकरण एवं सुरक्षा, दूसरी आर्थिक एवं वित्तीय समिति, तीसरी सामाजिक एवं मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, चौथी विशेष राजनीतिक एवं उपनिवेशवाद के लिए समिति, प्रशासनिक एवं बजट संबंधी समिति पांचवी, और छठवीं है विधिक समिति। ये 6 समितियां संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यों को विभाजित करके उनके कार्यों को करती हैं। आइए संयुक्त राष्ट्र के दूसरे प्रमुख अंग की बात करते हैं, यूएनएससी। हमेशा चर्चा में बना रहता है, जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद होता है यूएनएससी प्रमुखतया चर्चा में आता है। जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। यूएनएससी जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इनके सदस्यों की संख्या 15 है और इन 15 सदस्यों में जो 15 सदस्य हैं 5 अस्थाई सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर्स होती हैं, वीटो शक्तियां होती हैं, और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर, और इनकी अवधि ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं और इनका चुनाव क्षेत्राधिकार क्षेत्र के जरिए होता है। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। नए सदस्य राष्ट्रों के प्रवेश की सिफारिश करता है, नए सदस्य राष्ट्रों के प्रवेश की सिफारिश करता है, जैसे भी हमने पहले देखा नए सदस्य राष्ट्रों के प्रवेश के लिए सिफारिश करता है।
अस्थाई सदस्यों के पास निषेधाधिकार वोट होते हैं। निषेधाधिकार जो वोट होते हैं, वीटो पावर, वो अस्थाई सदस्यों के पास ही होती है, वो नॉन परमानेंट मेंबर के पास नहीं होती है। अब भाई ये जानते हैं कि अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं। अस्थाई सदस्य पांच हैं। पहला नंबर ब्रिटेन, फ्रांस, तीसरा रसिया, चौथा चाइना और पांचवा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पांच अस्थाई सदस्य हैं। ये पांचों अस्थाई सदस्य हैं यूएन के, और इनके पास ही वीटो पावर होती है। इन सभी के पास वीटो शक्तियां होती हैं। ये वीटो शक्तियां, जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत के विषयों में जब भी पाकिस्तान का कोई मसला आता है, पाकिस्तान पे आतंकवाद का मुद्दा हो या जो भी मुद्दा हो, तो चाइना उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर देता है। चाइना उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर देता है तो वो संयुक्त राष्ट्र से पास नहीं हो पाता। भारत सुरक्षा परिषद में अस्थाई सीट के लिए मांग कर रहा है। भारत सुरक्षा परिषद में अस्थाई सीट के लिए मांग कर रहा है, लेकिन चाइना द्वारा हमेशा उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। भारत के किसी भी मुद्दे पर चाइना उसे ब्लॉक कर देता है। तो इसका मतलब, जैसे ही ये वीटो पावर की अपनी शक्तियां लगाता है, इस्तेमाल करता है, बाकी के सभी जो इनकी सहमति है उसका कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। कुछ अर्थ तो रह जाता है, लेकिन फिर प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। भारत के पक्ष में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने अपनी सहमति दे दी कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन चाइना कहता है कि भारत को तो सदस्यता मिले। भारत की सदस्यता को इस आधार पर ब्लॉक नहीं करता कि भारत की सदस्यता ना मिले, क्योंकि भारत ने ही 1960 के 50 के आसपास जो अपनी सीट थी अस्थायी सदस्यता की, वो चीन को दी थी। तो भारत को इस आधार पर ब्लॉक नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी यूएनएससी का सदस्य, परमानेंट मेंबर होना चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप मिले। तो ये वीटो पावर जो कि सब अपने लाभ के लिए होती हैं, किस देश का हित किस कार्य के लिए है। अमेरिका भी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, ब्रिटेन भी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। रूस, अब जैसे रूस के खिलाफ इस समय प्रस्ताव आया यूक्रेन के मुद्दे पर, तो यूक्रेन, रूस ने अपने खिलाफ प्रस्ताव को खुद ही ब्लॉक कर दिया। निषेधाधिकार, वीटो पावर है इसके पास। तो वीटो पावर की शक्तियां जिसका सम्यक उपयोग नहीं होता। अब ये अस्थायी सदस्यों के, अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं और इनका चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। अस्थायी सदस्यों के बारे में जानते हैं। अस्थायी सदस्य जो वर्तमान में हैं, वो एक तो ब्राजील हो गया, मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे, अल्बानिया, घाना, गैवान, केन्या, यूएई, इंडिया। ये 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं अभी वर्तमान में, जबकि इनका चुनाव क्षेत्र वाइज होता है, क्षेत्रवार इनका चुनाव होता है। कुछ ऐसे देश हैं, अब जैसे कि भारत की सदस्यता अभी दिसंबर 2022 में समाप्त हो जाएगी। आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको, इनकी भी सदस्यताएं समाप्त हो जाएंगी। घाना, गैबोन की सदस्यता 2023 तक है, 2 साल के लिए ही होती है, 2 साल बाद ये समाप्त हो जाती हैं, सीटें बदलती रहती हैं। और इस क्षेत्रवाद, इसका जो सीटें बांटी जाती हैं उसमें अफ्रीका महाद्वीप से 3 सीटें दी जाती हैं, 3 सदस्य होते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। वर्तमान में अभी घाना है, गैबॉन है और केन्या, ये 3 सदस्य जो हैं इस समय वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप से हैं। एशिया पैसिफिक को 2, हिंद प्रशांत क्षेत्र से 2, यानी कि इस समय कौन कौन है, यूएई और इंडिया। यूएई और इंडिया इस समय हिंद प्रशांत क्षेत्र से हैं। ईस्टर्न यूरोपियन एंड लैटिन अमेरिका से 1,
नहीं सॉरी, ईस्टर्न यूरोपियन से एक सीट होती है, पूर्वी यूरोप से एक सीट, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, आयरलैंड को देख लीजिए, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन से दो सीटें, यानी दो सदस्य लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के होते हैं, जैसे कि यहाँ ब्राजील है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से, और मैक्सिको, मैक्सिको और ब्राजील, और दो सदन पश्चिमी यूरोप, दो सदस्य जो है पश्चिमी यूरोप और अन्य की जगह से होते हैं, जैसे अल्बानिया हो गया और नॉर्वे हो गया, ये दो सदस्य हो गए। तो इस तरह अस्थायी सीटें होती हैं। ये प्रतिनिधि हर 2 वर्ष बाद अपनी सीटें, मतलब इनका चुनाव फिर से होता है। आइए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी देश में प्रस्ताव पारित करती है कि अगर किसी देश में यूएन की सेना भेजनी हो, किसी देश में आतंकवाद का मुद्दा हो, किसी देश में टेररिज्म या अन्य मुद्दों पर यह प्रस्ताव पारित करती है। संयुक्त राष्ट्र के तीसरे अंग की बात करते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में। आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई और इसके सदस्य देश 54 हैं, जो 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। वैश्विक स्तर पर आर्थिक व सामाजिक मामलों का प्रमुख निकाय है ये विश्व का, और विभिन्न संस्थाओं और राष्ट्रों के बीच आर्थिक व सामाजिक सहयोग करता है। इसके जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का चुनाव सबसे पहले जब इसका स्थापना हुई तो स्थापना के समय इसके 18 सदस्य थे, यानी कि इसकी स्थापना जब 1945 में हुई तब इसके 18 सदस्य थे, फिर इसको जो है 65 में बढ़ाया गया, 27 कर दिया गया, और उसके बाद 71 में और बढ़ा के इसको फिर 54 कर दिया गया। तो 54 कर दिया गया तो इसके एक तिहाई सदस्य, यानी कि प्रतिवर्ष इसके एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, 1/3 सदस्य लग, यानी कि 18 सदस्य इसके बदले जाते हैं प्रतिवर्ष। और इसका ये जो है मिलती कब है कि ये जुलाई के महीने में, प्रत्येक वर्ष ये जुलाई के महीने में 4 सप्ताह के लिए मिलती है, यानी 4 सप्ताह के लिए ये मिलती हैं, जिस 4 सप्ताह के लिए जुलाई में मिलती हैं, ये अपने कार्य करती हैं। इसके कार्य जैसे कि हमने बताया कि सीटों का आवंटन भौगोलिक आधार पर होता है, अभी हम बताएंगे किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है, और इसके प्रतिवर्ष जो है 1/3 सदस्य बदल जाते हैं, यानी कि 18 सदस्य प्रतिवर्ष बदल जाते हैं। आइए जानते हैं कि इनके सीटों का आवंटन किस कैसे होता है। तो सीटों का आवंटन विश्व के सभी देशों से लिए जाते हैं, सभी क्षेत्रवार। सबसे पहले पश्चिमी यूरोप व अन्य राष्ट्रों से इसके 13 सदस्य आते हैं, जो पश्चिमी यूरोप और अन्य राष्ट्र हैं वहां से इसके 13 सदस्य आते हैं। पूर्वी यूरोप से 6 सदस्यों को लिया जाता है, फिर लैटिन अमेरिका से इसके 10 सदस्य आते हैं, लैटिन अमेरिका से 10 सदस्य आते हैं इसके। अफ्रीकी राष्ट्रों से इसके 14 सदस्य होते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के, और फिर एशियाई राष्ट्रों से 11 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा होता है, वोटिंग के जरिए। आइए अब आगे इसके चौथे अंग की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बारे में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है
और इसके सदस्य 153 हैं। इसकी भाषा, यहाँ जो प्रमुख भाषाएं आधिकारिक हैं, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनी, छह भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, इसकी मान्य भाषाएं हैं। अब इस पे आलोचक ये भी कहते हैं कि इनकी जो भाषाएं हैं ना, उसको केवल एक भाषा रहनी चाहिए। भारत कहता है कि हिंदी को भी जो है संयुक्त राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का जो सबसे जो सचिवालय है, उसका सबसे प्रमुख अधिकारी, क्योंकि सचिवालय का अधिकारी तो सचिव होगा, तो उसका सबसे प्रमुख अधिकारी महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है। वो भी सुरक्षा परिषद उसकी सिफारिश करती है, संस्तुति करती है, सुरक्षा परिषद उसकी संस्तुति करती है कि इसे महासचिव बनाया जाए, तो उसकी नियुक्ति हो जाती है 5 वर्ष के लिए। इसका मुख्य कार्य होता है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, शांति रक्षा कार्यों का प्रबंध करना, प्रस्तावों जैसे कि सम्मेलनों का आयोजन करना, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, परिषद के प्रस्तावों को जांचना व सदस्य सरकारों से बातचीत करना। जो संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी होते हैं, उसका चुनाव महासचिव द्वारा खुद किया जाता है, जिसकी वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं। एंटोनियो गुटरेस हैं, गुटरेस आप याद कर रही हैं, गुटरेस। महासभा द्वारा जो महासचिव होते हैं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के, वो कर्मचारियों का चयन खुद करते हैं। विश्व में कहीं से भी कर्मचारियों का चयन किया जाता है। जो सदस्य देश होते हैं, वो कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। अगर महासभा को चाहिए कि ये हम आर्थिक विशेषज्ञ है, या ये न्यायिक विशेषज्ञ, या ये जो है सिक्योरिटी के क्षेत्र में, ये पब्लिक सेक्टर में है, तो महासभा द्वारा उस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वो सदस्य के, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश होते हैं, वो महासचिव को उपलब्ध कराते हैं। आइए इसकी अगले अंग की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं, जो प्रमुख अंग है, एकमात्र जो है शीर्ष कानूनी निकाय है। इसका मुख्यालय हेग में है। अब आइए इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के शांति सम्मेलन हुआ हेग में, इसकी उपज बनाई जाती है। शांति सम्मेलन हुआ 1899 में, 1899 में शांति सम्मेलन हुआ। जब 1899 में शांति सम्मेलन हुआ, तो उसमें जो सदस्य थे, उन्होंने कहा कि एक अस्थाई विवाचन न्यायालय होना चाहिए, यानी कि जो विश्व स्तर पर एक विवाचन न्यायालय होना चाहिए, न्यायालय होना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक विवाचन न्यायालय होना चाहिए। फिर ये सम्मेलन, जब दूसरा सम्मेलन इसका 1907 में हुआ, 1907 में दूसरा शांति सम्मेलन हुआ, जब दूसरा शांति सम्मेलन हुआ, तो उन्होंने जो ये विवाचन न्यायालय था, अस्थायी न्यायालय, ने इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय कर दिया। उसके बाद 30 जनवरी 1922, 30 जनवरी 1922 को लीग ऑफ नेशंस, उस समय लीग ऑफ नेशंस नहीं था, लीग ऑफ नेशन तो 1929 में आया, लेकिन लीग ऑफ नेशन के समय जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी काफी होते थे, उस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना किन उद्देश्यों के लिए हुई? इसने अंतर्राष्ट्रीय न्याय का, अस्थायी न्यायालय का स्थान लिया। जी हाँ, 1922 में जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय था, उसका नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय का अस्थायी न्यायालय हो गया। ये देशों के मध्य कानूनी विवाद को निपटाता है, तथा इस सदस्य देशों को परामर्श भी देता है। अगर कोई परामर्श लेना चाहे सदस्य देश, तो उसको परामर्श भी देता है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है, 15 न्यायाधीश होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
प्रत्येक तीसरे वर्ष 5 न्यायाधीश बदल जाते हैं, यानी चुने जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। और कोरम की गणपूर्ति संख्या 9 है, यानी कि 9 सदस्य, 9 जज अगर बैठे हुए हैं तब किसी भी केस की सुनवाई हो सकती है, और इनका निर्णय बहुमत के द्वारा होता है। एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भी यहां होती है। अब तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ? तदर्थ न्यायाधीश का मतलब हुआ कि जैसे दो देशों के मध्य विवाद है, दो देशों के मध्य विवाद हो गया, ये दो कंट्रीज हो गए, उनके मध्य विवाद हो गया, और इन देशों को ये देश मानते हैं कि हमारा पक्ष अच्छे से सुना जाना चाहिए और हमारा कोई प्रतिनिधि जज वहां होना चाहिए, तो ये तदर्थ न्यायाधीश अपना भेज सकते हैं। ये इसलिए किया गया कि इन देशों को ये ना लगे कि हमारी बात जो है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नहीं सुनी गई। अगर ये दो देश चाहें तो अपने न्यायाधीश भेज सकते हैं, इन्हें तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। अगर एक पॉइंट और है कि अगर किसी न्यायाधीश की मृत्यु हो जाए, अगर किसी न्यायाधीश की मृत्यु हो जाए तो जिस देश का न्यायाधीश होगा वो देश उसी देश को जो है यो जो सदस्यता है दी जाएगी, यानी कि जो 15 न्यायाधीश में से अगर किसी देश की मृत्यु हो जाए तो उसी देश का न्यायाधीश वो पद संभालेगा। अगर किसी जज को हटाना है तो सभी जजों का निर्णय होना चाहिए, सर्वसम्मति से निर्णय होना चाहिए। और विकिपीडिया के अनुसार 1 दिसंबर 2017 तक, 1 दिसंबर 2015 तक 72 देशों ने अनिवार्य क्षेत्र अधिकार को स्वीकार कर लिया है। आइए इसके कुछ विशेष विवादों के बारे में जानते हैं कि किन विवादों पर ये, इसे विशेष संचित मामले होते हैं उस पर ये सुनवाई करता है दो देशों के बीच। एक होता है माध्य मार्ग, माध्य मार्ग जिसे दो देशों के बीच कोई समझौता हुआ तो समझौते के बीच में ये संयुक्त माने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को डाल देता है कि अगर ये जो माध्य हो जाता है माध्य मार्ग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, क्योंकि अगर ये उल्लंघन करता है तो ये इसको नहीं बोलेगा, फिर ये अगर ये उल्लंघन करेगा तो ये जाके यहाँ संयुक्त अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जा सकता है कि इन्होंने हमारा उल्लंघन किया। ऐच्छिक घोषणा, ऐच्छिक घोषणा की मतलब ये है कि ये पहले ही घोषणा कर देते हैं देश कि संयुक्त जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा, हमें स्वीकार होगा। और अंतरराष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय का अधिकारी, तो ये तो हो ही गया क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय का अधिकार जब उसी का नाम परिवर्तित होकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गया तो सभी उसके अधिकार इसके पक्ष में आ गए। कोई देश कहे कि हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे, तो अगर कोई देश इसके निर्णय को नहीं मानता तो इसके निर्णय को प्रवर्तन करने का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी जो है वो सुरक्षा परिषद की है। सुरक्षा परिषद जैसे भी चाहे इसके निर्णयों को प्रवर्तन कर सकती है, प्रतिबंध लगा करके या फिर सेना भेज करके, जैसे भी हो वो यहाँ पर इनका संयुक्त राष्ट्र का निर्णय प्रवर्तन कर सकती है। आइए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का अंतिम अंग कौन सा है। तो अंतिम अंग है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। न्यास परिषद के बारे में जानते हैं तो इसके सदस्य देश 5 हैं, 5 सदस्य देश हैं। अब ये 5ों सदस्य देश जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, ये ध्रुव शक्तियां थी, मतलब ये प्रमुख पावर थी द्वितीय युद्ध के समय, ये वही अस्थायी सदस्य हैं वीटो पावर वाले। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसका मुख्य मकसद था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से देश वीरान हो गए थे,
बहुत से देशों में भुखमरी फैल गई, बहुत से देशों में जो है कानून का शासन समाप्त हो गया। तो इन्होंने इसको अपने अपने अंडर में ले लिया कि हम इसका जो है पुनर्निर्माण करेंगे, यहाँ मानवाधिकार स्थापित करेंगे, सुरक्षा और शांति स्थापित करेंगे। तो 31 अक्टूबर, ऐसे 11 प्रदेश थे उस समय, 11 देश थे उन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जिन पर जो है संयुक्त राष्ट्र का न्यास परिषद ने अधिकार किया, सदस्य देशों ने। 31 अक्टूबर 1994 तक सभी जो है सदस्य इसके स्वतंत्र भी हो चुके हैं, उनकी मतलब जो उनका शांति सुरक्षा मानवाधिकार में सारी चीजें जो है उनके अपने अंडर में आ गई। पलाऊ द्वीप जो है वो ऐसा अंतिम द्वीप था, न्यास क्षेत्र था, जिस पर अमेरिका का शासन किया जा रहा था। और 1 नवंबर 1994 को पलाऊ में सुरक्षा परिषद द्वारा न्यास समझौता समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में ये परिषद जो है निष्क्रिय है। आइए जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। संयुक्त राष्ट्र इन अंगों के माध्यम से अपने 17 लक्ष्यों को निर्धारित करता है। वो लक्ष्य कौन कौन से हैं एक बार नजर डाल लेते हैं। वो लक्ष्य हैं नो पॉवर्टी, यानी विश्व में लगभग 700-800 मिलियन लोग रहते हैं, उसमें निर्धनता को कम करना, गरीबी को कम करना। ये ज्यादातर लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किए गए थे, 2030 तक। दूसरा है जीरो हंगर, भुखमरी को कम करना, खत्म करना। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छा स्वास्थ्य और रहना। फिर उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन के लिए सतत विकास लक्ष्य है इसका। जेंडर इक्वेलिटी यानी कि लिंगानुपात, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, परंपरागत एंड स्वच्छ ऊर्जा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कार्य और मतलब आर्थिक प्रगति, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ये भी सतत विकास लक्ष्य है, रिड्यूस इनक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, खपत और प्रोडक्शन के लिए जो है जिम्मेदारी तय करना, क्लाइमेट एक्शन, आजकल जलवायु परिवर्तन बहुत हो रहा है विश्व में, लाइफ बिलो वाटर, जल के बिना जीवन नहीं है, इसके लिए भी इन्होंने सतत विकास लक्ष्य रखा है, लाइफ एंड लैंड, भूमि, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन, शांति न्याय और मतलब स्ट्रॉन्ग जो सशक्त संस्था, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। और ये सब लक्ष्य अचीव करने के लिए, पार्टनरशिप के लिए भी ये इसका लक्ष्य है। ये ज्यादातर लक्ष्य 2030 तक लिए गए हैं। तो हमने कोशिश किया है कि इन छह अंगों के बारे में, संयुक्त राष्ट्र और उसके छह अंगों के बारे में आपको विशेष तौर पर बताएं इस वीडियो में। आगे जो भी विशेषीकृत संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र की बची हुई हैं, जो भी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं, उनका एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।